नमस्कार, इंडिया अखबार लाइव में आपका स्वागत है। और अब देते हैं खबरों को विस्तार। आमजन की समस्या हल नहीं होने पर अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। जी हां, गंजवासोदा से ये खबर हमारे पास आ रही है, जिसमें आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सोमवार को ग्राम त्योंदा के जनपद पंचायत के परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रभारी मंत्री हर्ष यादव ने कमलनाथ सरकार की कई योजनाओं का वखान किया। वहीं मंत्री हर्ष यादव ने कहा कि हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार जो कहती है वह करती है, किसी सरकार में हुए भ्रष्टाचार या गड़बड़ियों को सुधारने में सरकार को समय जरूर लग रहा है, लेकिन हमने जो वादा किया है वह वादा हम निभाएंगे। किसानों का कर्ज माफ़ करने का चाहे वह वायदा हो या फिर 200 रुपये में लाइट देने का वायदा हो। आगे प्रभारी मंत्री जी ने कहा कि नौजवानों और बेरोजगारों के लिए रोजगार की इस व्यवस्था को भी जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाएगा। मंत्री हर्ष यादव ने यहाँ पर कई प्रमाण पत्र और योजनाओं से लाभान्वित हुओं को चेक, विकलांग लोगों के लिए ट्राईसिकल और बच्चियों के लिए साइकिल भी भेंट की और कहा कि यह आवश्यक है कि सभी योजनाओं का लाभ सभी जिलों में कमलनाथ सरकार द्वारा दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। यदि आमजन की समस्या का हल नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। सभी विभागों द्वारा अपने अपने कर्मचारियों सहित स्टॉल लगाकर समस्याओं का निराकरण करने हेतु आपकी सरकार आपके द्वार के माध्यम से आवेदन लिए गए। कार्यक्रम में विदिशा विधायक शशांक भार्गव, पूर्व विधायक निशंक जैन, जिला अध्यक्ष शैलेंद्र रघुवंशी, मंडल अध्यक्ष संतोष पटेल, जिले के कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह, SP विनायक वर्मा, गंज वासोदा SDOP GB अग्रवाल, गंज वासोदा ब्लॉक CEO OP गुप्ता और महिला शक्ति जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री ने कहा कि ग्रामीण एवं शहरी कुटीर में जिन लोगों ने भी पैसे खाए हैं और भ्रष्टाचार किया है, उन लोगों को कतई बख्शा नहीं जाएगा, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई भी अधिकारी जनता के काम में लापरवाही करेगा तो उस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग में जो शिक्षक लापरवाही कर रहे हैं, उन शिक्षकों की जगह अतिथि शिक्षक या नए शिक्षकों की भी भर्ती की जा सकती है, इसलिए सभी अपना कार्य ईमानदारी से करें। त्योंदा से मनु पटेल की एक रिपोर्ट। पूर्व विधायक मेरे छोटे भाई आदरणीय निशंजन जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, इनका काम तो झूठ बोलना है और इनके मामले में तो मैं जितना बोल सकूं 2 घंटे बोल सकता हूं पिछली सरकार के और उनकी झूठी बातों के मामले में। हमारे नेता कमलनाथ जी ने कहा कि हम 300 की पेंशन 1000 करेंगे, 600 कर दी और अगली साल तक सबको 1000 रुपए मिलने लगेंगे। 31 है आपसे लोकसभा मजबूत करना है तो सबसे पहले हमें किसान को आपसे मजबूत करने की आवश्यकता है और एक संकल्प लिया जब पूरा प्रदेश कार्रवाई करवाएंगे। आप जो दोषी होंगे, जो कुटीर बनी है, कुटीर मामले हों या शौचालय के मामले में हों, जो दोषी होंगे उनको चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी, दंडित की जाएगी। चाहे कितनी बड़ा नेता हो, कितनी बड़ा अधिकारी हो, कोई भी हमारे नेता की टीम में इसलिए संबंधित नहीं रहेगा, गलती करेगा तो फंसेगा।